मैं जानती हूं तुम लोग नीलम की वजह से बहुत परेशान हो। जब तक मैं जिंदा थी मेरी वजह से भी तुम लोग ऐसे ही परेशान रहते थे। न जाने कितनी बार अपनी जान पर खेलकर तुमने मेरी जान बचाई है। मुझे यह भी मालूम है कि तुम नीलम पर कोई आंच नहीं आने दोगे, लेकिन तुम्हारी भी कुछ सीमाएं हैं। गोरखनाथ बहुत सिद्ध पुरुष है, उससे तुम बहुत दिन तक नहीं लड़ सकते। इसलिए मैं चाहती हूं कि एक बार तुम नीलम को उस मणि का स्पर्श करवा दो। वो उस मणि को छू लेगी तो उसके अंदर वो सब शक्तियां अपने आप आ जाएंगी जो मेरे अंदर थी। उन शक्तियों को पाकर नीलम गोरखनाथ का हर तरह से मुकाबला कर। कैसे आ गई? निकल चलो यहां से जल्दी। वो लड़की मूर्ख है, वो नहीं जानती वो किससे टक्कर ले रही है। भैरव, भैरव, हमारे क्रोध की ज्वाला उन दोनों को जलाकर भस्म कर देगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम किसी स्वार्थ के लिए मेरी जिंदगी में आओगे। नीलम, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो खुद तुम्हारा शुक्रगुजार हूं क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे गोरखनाथ से छुटकारा मिला। गोरखनाथ से तुम्हारा क्या संबंध है? ये मेरी जिंदगी का डरावना इतिहास है नीलम। जब मैं 7 साल का था
कुरुकनाथ मुझे मेले से उठाकर ले गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक शमशान में पाया जहां कुरुकनाथ सिद्धि कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी बलि चढ़ाकर अपनी सिद्धि पूरी करेगा, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन उसने मेरी बलि नहीं दी, बल्कि शमशान में खोपड़ियों के बीच लेटाकर मेरे ऊपर काले ओढ़ फेंककर मंत्र पढ़ने लगा। मेरा शरीर एकता गया, मैं बेहोश हो गया और उसने अपनी तंत्र विद्या से मुझे सांप बनाकर एक पिटारी में बंद कर दिया। पूरे 15 साल मैं उसी तरह पिटारी में बंद रहा। मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी कि कभी अपने घर जाऊंगा, अपनी माँ से मिलूंगा, लेकिन अचानक एक दिन गोरखनाथ ने अपनी स्वार्थ सिद्धि का मोहरा बनाकर तुम्हारे पास भेज दिया। तो तुम मणि लेने के लिए मेरे पास आए थे? मैं तुम्हारे पास आया जरूर था, लेकिन मणि मुझे नहीं गोरखनाथ को चाहिए, बल्कि तुमसे मिलने के बाद मैंने तुम्हें उसके हवाले करने का इरादा ही छोड़ दिया, क्योंकि उस तांत्रिक के हाथों जो तकलीफें मैंने उठाई हैं, मैं नहीं चाहता कि वही तकलीफें तुम भी उठाओ। इसलिए उसने अपने तंत्र विद्या से दोबारा मुझे अपने वश में कर लिया और अब मुझे जीने के लिए गोरखनाथ का खून करना ही पड़ेगा। नहीं आनंद, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी साधु की हत्या करो। तुम नहीं जानती नीलम, उसे मारने से बहुत लोग बच जाएंगे। अपनी सिद्धि पूरी करने के लिए उसने ना जाने कितने लोगों की बलि दी है और मणि पाने के लिए ना जाने और कितने लोगों की बलि देगा। वो मणि उसे नहीं मिलेगी आनंद, चाहे उसके लिए वो अपनी ही बलि क्यों ना दे दे। नीलम, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुमने मुझे छुड़ाया कैसे? तुम्हें ये शक्ति मिली कहां से? ये सब मेरी माँ के आशीर्वाद का प्रताप है। अगर तुम चाहो तो अब मैं तुम्हें उस मणि तक ले जा सकती हूँ। नहीं नीलम, मुझे ये मणि नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने भी ये मणि हासिल की है वो इसका सुख भोगने के लिए जिंदा नहीं बचा। गोरखनाथ के गुरु भैरवनाथ ने सारी जिंदगी मणि पाने के लिए संघर्ष किया और जब वो मणि के पास पहुंचे तो उन्हें सांपों ने डस लिया और वो मर गए। तुम्हारी माँ भी तो मणि का सुख नहीं भोग सकी, वो भी तुम्हारे पिताजी के साथ कार एक्सीडेंट में मर गई। और सबसे बड़ी मिसाल तो भगवान कृष्ण की है, उनकी मौत भी मणि की वजह से हुई थी। तुम्हें ये सब बातें कैसे मालूम हुई? 15 साल गोरखनाथ के साथ रहकर अच्छी बुरी कई बातें मैं जान गया हूं, और ये सब जानने के बाद कौन मूर्ख मणि को पाने की कोशिश करेगा। नीलम, तुम्हें पाकर मुझे दुनिया की और कोई चीज नहीं चाहिए, और सबसे कीमती चीज तो तुम हो। आनंद, चलो घर चलते हैं, माँ जी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। चलो। तू कहाँ चला गया था बेटे, इतने दिन बिना बताए? तुमने तो हम सब की जान ही निकाल दी थी। मैं शहर चला गया था दादाजी, वहाँ कुछ दोस्तों ने मुझे रोक लिया और खबर करने का कोई जरिया नहीं था मेरे पास। ऐसे कौन से दोस्त हैं तुम्हारे जो माँ से भी प्यारे हैं? अरे माँ से प्यारा कोई हो सकता है? अब माफ भी कर दो ना, आइंदा तुम्हें बगैर बताए कहीं नहीं जाऊंगा। भाभी, अगर बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं। जी बताइए। अब जल्दी से इन दोनों की शादी कर दो, वरना ये ऐसे ही भागता रहेगा। मैंने तो इसी पूर्णिमा का मुहूर्त भी निकलवा लिया है, पंडित जी बता रहे थे कि ये मुहूर्त बहुत शुभ है। अरे आपके लिए शुभ है तो हमारे लिए भी शुभ है। नहीं, गोरखनाथ को छेड़ना शेर के मुंह में हाथ डालना है। मुझे कसम है गुरुदेव आपकी, अगर आनंद और नीलम के विवाह की आग को उनकी चिता की अग्नि में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी गोरखनाथ नहीं।
नहीं गुरुदेव, मैं हार नहीं मान सकता, मैं हार नहीं मान सकता। बच्चा गोरखनाथ। कौन है, कौन है, सामने आओ। हम तो तेरे पास ही हैं बच्चा, तेरे अपने मन में, तेरे गुरु भैरवनाथ। हमारा मान रख लीजिए गुरुदेव, देखिए देखिए आपके शिष्य की क्या दशा की है। लेकिन हमें कसम है आपकी भैरवनाथ, हम भी उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। व्यर्थ का हट छोड़ दे गोरखनाथ और बच्चों को क्षमा कर दे। नहीं, कभी नहीं। ये लड़ाई इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती गुरुदेव, नहीं हो सकती। मैं भी अपने अंतिम समय तक लड़ता ही रहा था, लेकिन एक क्षण ऐसा भी आया जब मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ और मैंने रजनी को क्षमा कर दिया। कर दिया होगा, आपने हार मान ली होगी गुरुदेव, लेकिन हम आपकी तरह कमजोर नहीं, हम हट्टी योगी हैं। बड़ी से बड़ी शक्ति हमारा हट नहीं तोड़ सकती। समझने का प्रयत्न करो गोरखनाथ, तुम्हारा हट योग तंत्र मंत्र उस दिव्य शक्ति के सामने बेकार है जो समय समय पर नीलम को नागों से मिलती रहती है। वो शक्ति किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं। हमने सोच लिया है कि हम महासिद्धि यज्ञ करेंगे गुरुदेव, और उस मणि के रक्षक दोनों नागों को अपने वश में कर लेंगे, जो हमारे एक इशारे पर आनंद और नीलम दोनों को यहां तक खींच लाएंगे। फिर देखना वो मणि अपने आप कैसे हम तक पहुंच जाती है गुरुदेव, अपने आप। ये सब उतना आसान नहीं बच्चे जितना तुम समझते हो। ये भैरवनाथ नहीं गुरुदेव, गोरखनाथ है गोरखनाथ। हमारी दृष्टि एक बार जिस चीज पर पड़ जाती है, या तो हम उसे पाकर रहते हैं या उसे जलाकर भस्म कर देते हैं। एक बात और सुन लीजिए, हम अब तक आपको अपना आदर्श मानते रहे, लेकिन आज पता चला कि आप तो एक साधारण और कमजोर साधु थे जिसने एक लड़की से हार मान ली। इसलिए आज से आपकी जय जयकार बोलना बंद और महासिद्धि यज्ञ शुरू। जय गोरखनाथ, जय गोरखनाथ।